हरदोई की बेनीगंज पुलिस ने 8 साल से फरार 25,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। इसके विरुद्ध लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई में हत्या, लूट, डकैती आदि मुकदमे दर्ज है। यह न्यायालय से जमानत पर छूटने के बाद फरार हो गया था। मामला का खुलासा करते हुए एसपी अमित कुमार ने बताया कि बेनीगंज कोतवाल दीपक सिंह रघुवंशी ने मुखबिर की सूचना पर बेनीगंज कोतवाली ढिगिया गांव में इसी गांव के निवासी राधेश्याम शुक्ला को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि इसके विरोध में बेनीगंज में लूट का एक मुकदमा दर्ज था और यह 8 वर्षों से फरार था। बताया गया कि इसके खिलाफ न्यायालय द्वारा वारंट जारी किया गया था। इसके विरुद्ध 25,000 का इनाम भी घोषित था। एसपी ने बताया कि लखनऊ के नाका में एक हत्या के मामले में शामिल था और आजीवन कारावास की सजा हुई थी। यहां से 19 साल जेल में रहने के बाद जमानत पर छूटा था। जमानत पर छूटने के बाद यह वापस कोर्ट नहीं पहुंचा था। ये एक राधेश्याम शुक्ला नाम के व्यक्ति जो कि 1996 में लूट के मामले में जेल गया था, जेल से छूटने के बाद इसने 1997 में नाका थाना लखनऊ में एक मर्डर किया था जिसमें इसको आजीवन कारावास की सजा हुई थी और ये 19 साल के आसपास लगभग जेल में रहा। इस दौरान इसके पुराने मुकदमों में इसकी तलाश की जाती रही परंतु कोई जानकारी नहीं मिली। बाद में ये जब 2016 के बाद छूटने के बाद अपने पुराने मुकदमों में हाजिर नहीं हुआ और इसके खिलाफ ये चोरी इत्यादि के काम में भी 2015 के बाद से इन्वॉल्व रहा है, इसकी तलाश की जाती रही। 2019 में एडीजे फर्स्ट हरदोई जनपद के द्वारा फरारी की घोषणा की गई और इसकी तलाश की जाती रही जिसमें ये 25,000 का इसके ऊपर इनाम भी घोषित था। इसके दौरान इसको गिरफ्तार किया जा रहा है और गिरफ्तार करके इसमें पुराने मुकदमों का भी जो इसमें जमानत पर चल रहा है उसकी जमानत भी छुड़वाते हुए इसको जेल भेजा जा रहा है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.